हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आपका स्वागत है आज की मेरी इस क्लास में। मैं आज आपको इस क्लास में टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ाने वाला हूं। टाइम का मतलब समय होता है और वर्क का मतलब कार्य होता है। कार्य को हम काम बोलते हैं। तो आज हम समय और कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और मेरा वादा है कि समय और कार्य को आज मैं जो पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको कभी भी टाइम और कार्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो इसको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम समय और कार्य से संबंधित तीन कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तीन कॉन्सेप्ट अगर हम समझ जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम जो है यहां पे टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम, यहां पे हम टाइम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको हम समय और कार्य बोलते हैं। और यहाँ पे हम कार्य को काम भी बोलेंगे। अब हम समझते हैं कि इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है, पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बताना है कि समय, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमें बताना है कि समय और वर्क में यानी कार्य में क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समय और यहाँ पे लिखेंगे कार्य। तो समय और कार्य जो है ये एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर समय पूछा जाएगा इसे हम कार्य में बदलेंगे तो हम एक बट्टा काम यानी कार्य लिखेंगे, एक बट्टा काम लिखेंगे यानी समय बराबर एक बट्टा काम होता है। यहीं पे अगर हम काम पूछेंगे, यहीं पे अगर हम काम पूछेंगे तो काम का जो होगा वो होगा एक बट्टा समय, एक बट्टा समय। इस प्रकार से मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि समय और काम में क्या संबंध है या काम और समय में क्या संबंध है। तो समय और काम जो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर समय है काम में पूछा जाएगा तो काम को हम एक बट्टा काम बोलेंगे। अगर काम दिया हुआ है और समय में बताना है तो हम उसको एक बट्टा समय बताएंगे। अगर यहाँ पे हमें पता हो कि अगर हमें समय पता है कि समय दिया हुआ है 6 घंटा, समय दिया हुआ है 6 घंटा, 6 घंटा समय है तो हमें पूछा जाएगा कि आप बताइए काम कितना होगा, तो हम बताएंगे काम जो है वो एक बट्टा छः होगा, एक बट्टा छः होगा। क्योंकि समय 6 है तो 6 का जो उल्टा होगा वो एक बट्टा छः होगा, एक बट्टा छः होगा। तो ये एक बट्टा छः क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा। अगर यहाँ पे हमें पता चले कि काम दिया हुआ है तो काम यहाँ पे 10 दिया हुआ है, हमसे पूछा जाएगा कि समय क्या होगा। तो काम अगर दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है कि समय क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 10 का उल्टा बोलेंगे, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला यही है कि समय जो है वो काम का उल्टा होता है या काम जो है वो समय का उल्टा होता है। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है इसमें बताया गया ए किसी काम को एक्स घंटे में पूरा करता है। कहने का मतलब ये हुआ यानी ए किसी काम को x घंटे में
पूरा करता है और बी उसी काम को, बी उसी काम को, उसी काम को y घंटे में पूरा करता है, y घंटे में पूरा करता है, y घंटे में पूरा करता है, करता है। तो a और b, a और b मिलकर, तो a और b मिलकर इसी कार्य को, इसी कार्य को, कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में, कितने दिनों में, दिनों में पूरा करेगा, पूरा करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना है इसको। इसमें बोला क्या गया कि ए जो है किसी काम को y घंटा में पूरा करता है, फिर बोला गया बी उसी काम को, है ना, उसी काम को y घंटे में पूरा करता है, ठीक है। अब हम ए बी दोनों को मिला दिए और दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, यानी कितने घंटों में पूरा करेगा, है ना, कितने घंटों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे दिन हटा के यहाँ पे घंटा लिख देते हैं, कितने घंटों में पूरा करेगा, है ना, कितने घंटों में पूरा करेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, ए जो है ए, है ना, ये क्या किया, एक्स घंटा में किसी काम को पूरा किया। तो यहां पर ए का जो वैल्यू है वो है एक्स घंटा। अब हम इसी एक्स घंटा को क्या करेंगे, काम में बदल देंगे। तो जब ही हम इस एक्स घंटा को काम में लिखेंगे तो ये एक्स ना रह के इसको हम उल्टा कर देंगे, तो इसके बट्टे में एक होगा, यही एक ऊपर जाता है और एक्स नीचे आ जाता है, यानी एक्स को हम एक बटा एक्स लिखते हैं। तो ये घंटा नहीं रहा, अब ये बन गया काम, अब ये बन गया काम। तो ये ए का काम निकल चुका है, अब बी का काम क्या दिया हुआ देख लेते हैं। तो बी जो है वाई घंटे में इसी कार्य को पूरा करता है, तो बी वाई घंटा हो गया। अब इसी वाई घंटा को हम काम में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम काम में बदल देते हैं, तो हम एक बट्टा वाई बोलेंगे इसको, एक बट्टा वाई बोलेंगे। अब ये काम बन गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ए का जो काम है वो एक बट्टा एक्स है, बी का जो काम है वो एक बट्टा वाई है। अब हमको कहता है दोनों को मिला देना है, मिलाने का मतलब हुआ ए को बी के साथ जोड़ देंगे, मिलाने का मतलब हुआ ए को बी के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका एक बट्टे एक्स वैल्यू आया है, इसका एक बट्टे वाई आया है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये निकलेगा एक्स वाई एक्स। अब यहाँ पे एक्स कट के केवल वाई बचेगा और यहाँ पे वाई कट के केवल एक्स बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो ऊपर में आ गया एक्स प्लस वाई, अब बट्टे में हो गया एक्स वाई। तो ये जो निकला है ये हमारा काम है, ये जो मेरा है क्या है, काम है, ये जो हमारा है ये क्या है, काम है। लेकिन क्वेश्चन जो दिया था वो घंटा में दिया हुआ था, घंटा को हम क्या किए, काम में बदल दिए। तो लास्ट में जब आंसर निकलेगा तो वो काम ही है, पर इस काम को फिर से हमें क्या करना है, घंटा में बदलना है, यानी समय में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे, यानी एक्स वाई चला जाएगा ऊपर और एक्स प्लस वाई जो है आ जाएगा नीचे। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो अब ये काम नहीं रहा, अब ये बन जाएगा घंटा, अब ये बन जाएगा घंटा। तो पहला कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ घंटा की जगह पे दिन का भी यूज किया जाता है और घंटा का भी यूज किया जाता है। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को घंटा पे बताए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ए बी था, दोनों का मान था घंटा में, दोनों को क्या किए, काम में बदले, काम में दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने से पता चला है हमें एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स वाई जो कि काम है, इस काम को फिर से घंटा में ले जाने के लिए इसको फिर क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर दो हुआ। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थ्री पे। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री क्या है, ए और बी, ए और बी,
ए और बी किसी कार्य को यानी किसी काम को, ए और बी किसी काम को किसी काम को एक्स दिनों में पूरा करता है। अब यहां पे हम दिन में बता रहे हैं, है ना, एक्स दिनों में पूरा करता है। बी और सी उसी काम को वाई दिन में पूरा करता है। वाई दिनों में पूरा करता है तथा सी और ए उसी काम को जेड दिनों में पूरा करता है। तो ए कॉमा बी और सी कितने दिनों में इस कार्य यानी काम को पूरा करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कॉन्सेप्ट नंबर ये 3 है। इस बार क्या है, ए और बी किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है, मतलब यहाँ पे ए भी है और बी भी है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर काम करेगा यानी जोड़ना है इसको। तो ए प्लस बी जो है ये जो काम करता है वो एक्स दिन में करता है, एक्स दिन में, पर एक्स दिन को हमें क्या करना है, काम में लिखना है, तो एक्स का उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा एक बट्टे एक्स काम। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ए और बी किसी काम को एक्स दिनों में पूरा करता है। अब बी और सी है तो लिखेंगे बी प्लस सी उसी काम को वाई घंटे में पूरा करता है, तो वाई घंटा यानी वाई दिन, यानी यहां पे घंटा नहीं है, दिन का यूज किया हुआ है, यानी वाई दिन में पूरा करता है। अब यहां पे y दिन है, इसको काम में ले जाना है, तो फिर से इसको उल्टा करेंगे तो एक बट्टा y काम हो जाएगा। अब c प्लस a आ जाएगा, क्यों आएगा c प्लस a, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है c और a उसी काम को z दिन में पूरा करता है, c और a यानी c प्लस a जेड दिनों में इसको पूरा करेगा यानी जेड दिन। अब जेड को क्या करेंगे, हम काम में कन्वर्ट करना है तो इसको फिर से उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने के बाद एक बट्टे जेड काम हो जाएगा। अब कहता है लास्ट लाइन में तो ए बी और सी कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा, यानी ए बी सी ये तीनों मिलकर, है ना, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। तो तीनों को अब हमको मिलाना है, मिलाएंगे क्या, तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे a प्लस बी है, फिर b प्लस सी है, फिर c प्लस a है, इसको हम जोड़ देते हैं, इस पूरे को क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो पता चला ए यहां भी है, एक ए यहां है, दोनों को जोड़ देंगे 2a हो जाएगा।
प्लस एक भी यहां भी है, एक भी यहां भी है, इसको भी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। प्लस अब यहां पे देखेंगे एक सी यहां भी है, एक सी यहां भी है, यहां भी जोड़ दिए 2c हो गया। अब बराबर पे आ जाते हैं, बराबर के उधर क्या है तो एक बट्टे एक्स है, चूंकि हमको दिन वाले को नहीं जोड़ना है, काम वाले को जोड़ना है, तो एक बट्टे एक्स हो गया प्लस एक बट्टे वाई हो गया प्लस एक बट्टे जेड हो गया। अब देखा जाए तो एक ए ए के जोड़ के 2a हुआ, 2b हुआ, 2c हुआ, 2 2 2 इस तीनों में कॉमन मिल रहा है, 2 बाहर निकालेंगे कॉमन के तौर पे, तो यहां बचेगा a प्लस, यहां भी बचेगा b प्लस, और यहां बचेगा c, 2 2 2 इस तीनों में से कॉमन ले लिए, यानी ये बाहर निकल चुका है, बचा a प्लस b प्लस c। बराबर क्या है इधर, तो इधर है एक बट्टे एक्स प्लस एक बट्टे वाई प्लस एक बट्टे जेड। तो ये जो हमारा है ये आंसर तो है, लेकिन ये ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन इसमें दो गुना में है, तो हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, इसके लिए दो गुना में है, ये जाएगा इसके बट्टे में, तो जब ये दो इसके बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो बट्टे में आएगा तो इसको हम बोलेंगे एक बट्टे दो, एक बट्टे दो, और बाकी ये उतारेंगे तो एक बट्टे एक्स प्लस एक बट्टे वाई प्लस एक बट्टे जेड। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक बट्टे दो, उसके बाद एक बट्टे एक्स प्लस एक बट्टे वाई प्लस एक बट्टे जेड। अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हम अगले पेज में जाते हैं। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी था, अब बराबर में था एक बट्टे दो। अब हम यहां देखेंगे तो एक बट्टे एक्स था प्लस एक बट्टे वाई था प्लस एक बट्टे जेड था। अब हम इसको पूरा करते हैं तो ये एक बट्टे दो रहा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, ये वाले x से डिवाइड करने पे x कटेगा तो बचेगा वाई जेड, तो यहाँ पे वाई जेड हो गया। y वाले से डिवाइड करने पे, भाग करने पे y कटेगा तो बचेगा एक्स जेड, या इसको हम जेड एक्स बोलेंगे। जेड वाले से डिवाइड करने पे जेड कटेगा तो बचेगा एक्स वाई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये 1/2। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स वाई, फिर से लिखेंगे वाई जेड, और फिर से लिखेंगे जेड एक्स, और इसके बट्टे में आ जाएगा एक्स कॉमा मतलब एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड ये गुना में है, नीचे में एक्स वाई जेड पूरे गुना में है, ऊपर में भी एक्स वाई गुना में, फिर प्लस वाई जेड गुना में, फिर प्लस जेड एक्स गुना में, फिर उसके बाद प्लस में। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट नंबर ये क्या था, 3 था। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे हम देखते हैं केवल इसी 3 कॉन्सेप्ट पे जितने सारे क्वेश्चन होगा सभी का सोल्यूशन करेंगे, और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यही 3 कॉन्सेप्ट पे हर क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोल रहा है ना ए और बी, ए और बी मतलब ए बी को जोड़ना है, और ये जो है ना किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा करता है, 72 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ लिखेंगे 72 दिन। और यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे जो है ना दिनों के जगह पे लिखा गया है दिलो, तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, प्रिंट करने में ये सब दिक्कत आती है, आप इसको दिन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी काम को बी और सी 120 दिन में करता है, बी है और सी है, बी है और सी है, वो कितना दिन में किया तो 120 दिन में किया, 120 दिन में। उसके बाद कहता है ए और सी ए और सी 30 दिन में उसे पूरा करता है, ए और सी, तो यहां पर हम ए ले लिया प्लस सी ले लिए, ये जो है कितने दिनों में पूरा करेगा तो 90 दिनों में पूरा करेगा, 90 दिनों में पूरा करेगा। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे दिन का कोई काम नहीं है, हम यहाँ इसको काम में बदलेंगे। सबसे पहला काम है 72 नहीं है, ये 1/72 काम है,
एक बट्टे बहत्तर काम है, 120 नहीं है, ये एक बट्टे 120 है काम है, ये 90 नहीं है, एक बट्टे 90 है, ये दिन नहीं है, ये क्या है काम है। तो जब काम पता चल जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो तीनों को मिलाना है, तीनों को मिलाने का मतलब क्या हुआ, हम तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के टर्म में क्या करेंगे, तो बताए हुए थे ए ए जोड़ के होता है 2a प्लस बी बी को जोड़ेंगे तो होगा 2b, 2b प्लस सी सी को जोड़ेंगे तो होगा 2c। अब बराबर इधर क्या करना है, तो इधर एक बट्टे बहत्तर होगा प्लस एक बट्टे 120 होगा प्लस एक बट्टे 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, दो इधर से कॉमन होगा तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, अब यही a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए तो ये दो जाएगा इसके बट्टे में। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा देखते हैं। तो इसका एलसीएम 72 भी है, 20 नहीं, 120 था और ये 90 है, यानी यहाँ पे 72 है, 120 है और 90 है, इसका एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम होगा दो से लगाने पे 36 आएगा और ये 60 आएगा और ये 45 आएगा, फिर से अगर हम दो से लगाएंगे तो ये होगा 18 और ये हो जाएगा 30 और ये 45 का 45 उतर जाएगा, फिर से दो से लगाएंगे तो ये होगा 9, ये होगा 15 और ये होगा 45। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे तीन से लगा लेते हैं, तीन तिया 9 हो जाएगा, तीन पंचे 15 हो जाएगा और ये 15 तिया 45 हो जाएगा, फिर से तीन से लगा लेते हैं, तीन एक आठ 3 होगा, 5 उतार देंगे और 3 पंचे 15। अब यहाँ पे 5 से लगा लेते हैं तो 5 एक का एक ही रहेगा, ये 5 एक 5 होगा, ये 5 एक 5 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72। फिर से देखते हैं, 2 दुना 4 दुना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंचे कितना होता है, 72 पंचे कितना होगा, तो 0 बच गया, 1 7 5 35 और 1 36 यानी 360। तो 72 120 और 90 का जो एलसीएम होगा वो होगा 360, कितना आ जाएगा वो 360। तो जब हमें एलसीएम पता चल गया तो अब ये बड़ी सिंपल और बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसका जो नंबर है वो थोड़ा बड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा एलसीएम में प्रॉब्लम हुआ है ना, इसलिए एलसीएम क्या हुआ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। 72 पंचे होता है 360, 72 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो ये 5 आ गया, 0 से 0 कटेगा 12 किया 36, 3 बार में ये आ जाएगा, 0 से 0 कटा ना चौक 36, ये 4 बार में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछेंगे, तो ये जो 2 है ये इधर आएगा तो 1 बट्टे 2 बन जाएगा, और इधर कितना है तो इधर हो जाएगा 5 3 8, 8 4 12, 8 4 12, अब बट्टे में कितना है तो 360। अब हम इसको इससे काट दिए, 6 बार में कटा, फिर इस 6 को काट दिए इससे तो ये 60 बार में कटा, इसका मतलब ऊपर में कुछ नहीं तो 1 आएगा, 1 बट्टे 60, पर 1 बट्टे 60 जो है ये काम है, पर आंसर जो हमारा मिलेगा वो दिन में मिलेगा, आंसर जो हमारा मिलेगा वो किस में मिलेगा, दिन में मिलेगा। और दिन में लाने के लिए क्या करते हैं हम, तो इसको उल्टा कर देते हैं, अब 60 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, तो 1 नीचे में नहीं लिखना है तो ये काम से बदल कर दिन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ, इसका जो आंसर आया वो आ गया 60 दिन। ऑप्शन मेरा जो है 3 ऑप्शन सही है, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 के बाद 2 था, 2 नहीं है 3 है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से जो हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 है, तो आप इस ऑप्शन को याद रखेंगे। है ना, ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर दो है, कहता है पांच पुरुष किसी काम को छह दिन में पूरा कर सकता है। यानी यहाँ पे बोल रहा है पांच पुरुष है, पुरुष का मतलब यहाँ पर एम, एम का मतलब मेल होता है, मेल मतलब आदमी, आदमी माने पुरुष। तो यानी पांच पुरुष है ना, किसी काम को छह दिन में पूरा कर सकता है ना। पांच पुरुष किसी काम को कितने दिन में पूरा किया, छह दिन में पूरा किया, तो छह से गुना कर दिए। फिर आगे है जबकि, यहाँ लिखा है पाइकी, यानी जबकि होगा दस महिला उसे पांच दिन में पूरा कर सकती है। यानी दस महिला है, अब हम यहाँ पे महिला को ओ मैन बोलते हैं तो डब्लू लिखेंगे, कितने दिन में पूरा करेगा, पांच दिन में पूरा करेगा। तो यानी पांच पुरुष किसी काम को छह दिन में पूरा करता है, दस महिला किसी काम को पांच दिन में पूरा करता है। अब ये दोनों हो गया बराबर। अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम देखते हैं इधर भी पांच है और इधर भी पांच है, तो पांच से पांच कट गया, ये बच गया छ, और एम मतलब हो गया मेल यानी पुरुष, मेल यानी पुरुष हो गया। उसके बाद यहां देखते हैं बच गया दस, ये डब्लू बच गया, डब्लू का मतलब ओमैन होता है यानी महिला बच गई। अब ये कटेगा तो काटेंगे, इसका हाफ होगा तीन और इसका हाफ होगा फाइव। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तीन पुरुष जो है वो पांच महिला के बराबर है। अब क्वेश्चन में कहता है कि पांच महिला तथा तीन पुरुष मिलकर, दोनों मिलकर, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया पांच महिला यानी पांच डब्लू और तीन पुरुष बोल रहा है, तीन पुरुष यानी तीन एम, दोनों मिलकर, मिलने का मतलब इसको जोड़ना है। अब हमको बताना है कि ये क्या है, पांच डब्लू है, पांच प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे थ्री एम है और थ्री एम का वैल्यू पुट करेंगे, यहां से कितना पुट करेंगे, फाइव डब्लू, फाइव डब्लू, तो फाइव डब्लू फाइव डब्लू को जोड़ेंगे, फाइव फाइव हो जाएगा टेन डब्लू, टेन डब्लू। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ टेन डब्लू जो है यानी टेन महिला किसी काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दस महिला उसे पांच दिन में पूरा करता है, तो यहाँ भी दस महिला ही निकला, तो इसका मतलब दस महिला जो है यहाँ पर भी पांच दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ भी दस महिला है तो यहाँ भी ये पांच दिन में ही पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर जो है दस महिला पांच दिन में पूरा करता है, तो दस महिला निकला है इसलिए इसका आंसर भी होगा पांच, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां दो है, ऑप्शन नंबर दो पे ध्यान देंगे, है ना, ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो होगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में किया। अब थोड़ा फास्ट बनाते हैं, ठीक है। ए और बी बोल रहा है यानी ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा किया, तो कहता है 12 दिन में पूरा किया, कितने दिन में, 12 दिन में। लेकिन हमें यहाँ पे दिन का काम नहीं है, एक बट्टे 12 काम का, इसको हम एक बट्टे 12 काम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करती है, बी और सी, बी और सी, बी और सी जो है 15 दिनों में पूरा करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 दिन, 15 दिन का मतलब होता है एक बट्टा 15 काम, एक बट्टा 15 काम। और लिखा हुआ है सी और ए, सी और ए उसी कार्य को जो है 20 दिन में पूरा करती है, तो 20 दिन, 20 दिन, 20 दिन का मतलब हो गया एक बट्टे 20 काम, एक बट्टे 20 काम, एक बट्टे हो जाएगा 20 काम, तो एक बट्टे 20 काम। अब हम क्या करते हैं, लिखा हुआ है इसमें ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे इस कार्य को निम्न दिनों में पूरा करेंगे, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट बनाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ जो दो आता है ना इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब हम रख देंगे, एक बट्टे दो कर देंगे, यहाँ पे जो दो आता है वो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे रख दिए, एक बट्टे दो हो गया। यहाँ क्या करना है तो इस सभी को जोड़ देना है, तो एक बट्टे 12 प्लस एक बट्टे 15 प्लस एक बट्टे 20। अब डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लेंगे यानी एलसीएम लेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पे 12 है 15 है 20 है,
इसका जो एलसीएम हम लेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना। इसका जो एलसीएम लेंगे 60 आएगा, तो 12 पंचे 60 पांच बार में, 15 चौका 60 चार बार में, 20 किया 7 तीन बार में। तो इस प्रकार से 1/2 हुआ। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 के बट्टे में आ गया 60। 2 से काटने पे ये 6 कटेगा, 6 से काटने पे ये 10 कटेगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/10। लेकिन ये 1/10 काम है, काम में हमें आंसर नहीं चाहिए, दिल में चाहिए। तो इसको उल्टा करेंगे तो 10 दिल हो जाएगा। इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 10 दिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक काम 10 पुरुष के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, यही काम 10 स्त्री के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। यानी यहाँ पे बोल रहा है 10 पुरुष है, कौन है, 10 पुरुष है, और ये 10 पुरुष जो है, 10 पुरुष जो है, 10 पुरुष जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो 12 दिन ना बोल के यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1/12 काम, 1/12 काम बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है 10 स्त्री, 10 स्त्री है, 10 स्त्री, दस स्त्री जो है कहता है उसी काम को जो है 6 दिन में पूरा करती है। अब ये 6 दिन नहीं लिखकर हम, 6 दिन नहीं लिखकर हम इसको काम में बदलेंगे तो काम में हो जाएगा 1/6 काम, 1/6 काम। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। अच्छा यहाँ पे 10 पुरुष था, ठीक है, 10 स्त्री, ठीक। अब हम इस दोनों को मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 पुरुष को भी जोड़ दिए और साथ में 10 स्त्री को भी जोड़ दिए। तो जोड़ने पे क्या होगा, यहाँ पे हम 1/12 को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम 1/6 को जोड़ेंगे। एलसीएम लेने पे 6/12 का एलसीएम 12 आएगा, ये बना 1 प्लस ये बनेगा 6 × 12 यानी 2। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3/3 में होगा 12। अब हम क्या करते हैं, 3 × 3 3 × 12 काट दिए, 1/4 ये मेरा काम है। 1/4 क्या है, काम है, लेकिन जब हम इसको दिन में बदलेंगे तो ये 4 दिन हो जाएगा। 4 दिन कैसे होता है, क्योंकि हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो मेरा जो आंसर आया वो 4 है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 मतलब आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए कोई काम 6 दिन में पूरा कर लेता है, यानी ए जो है वो क्या किया, 6 दिन में किसी काम को पूरा किया। तो 6 दिन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1/6 काम, 1/6 काम होता है। उसी तरह बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। बी क्या करता है, उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। तो 9 दिन को हम लिखेंगे 1/9 काम, 1/9 काम लिखेंगे। अब कहता है यदि दोनों मिलकर काम करें, है ना, दोनों मिलकर काम करेगा यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ भी हम 1/6 को जोड़ेंगे और यहाँ भी हम 1/9 को जोड़ेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 6 × 18 यानी 3 आएगा और यहाँ 9 × 18 यानी 2 आएगा। तो ऊपर में हो गया 5 और 1/2 में हो गया 18। तो ये मेरा निकला काम, ये मेरा निकला, लेकिन जब दिन में बदलेंगे तो 18 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा। इसको उल्टा किया, 18 ऊपर 5 नीचे आता है, तो काम नहीं है, अब हो जाएगा ये दिन। अब हम क्या करते हैं, 5 से इसको भाग देते हैं। तो 5 से भाग दिए तो 5 × 15 तो लगा ही, शेष 5 × 15 लगा और इसमें जो बचा कितना बच गया, 3 बच गया। तो
तो 3 × 5 लिख लेंगे, यानी 3 × 3/5 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसको जो भाग देंगे तो 5 से भाग दिया जाता है 18 में, तो 3 से लगाएंगे 15, 15 के बाद ये बचेगा 3। और जब हम पूर्णांक में लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले ये 3 लिखेंगे और इस दोनों को 3/5 कर देते हैं, तो 3 × 3/5 जो हमारा आंसर है। और इसमें पूर्णांक में नहीं दिया हुआ, पॉइंट में है, ऐसा करते हैं इसको हम पॉइंट में आंसर लाते हैं ना। तो पॉइंट में आंसर क्या आएगा, यानी 5 से भाग देना है 18 में, तो यहाँ पे अगर हम भाग दे दें तो 5 × 15 = 5×30, यानी यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो 3.6 होगा, क्योंकि यहाँ 3 बार में लगाएंगे 15 और ये 3 बचेगा, और यहाँ पे हम 0 बैठाएंगे तो यहाँ पॉइंट आता है और 5×30 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3.6 दिन है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि 2 नंबर में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है लेकिन 2 नंबर में नजर आ रहा है, ये 3.6 हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता क्या है, ए और बी एक काम को, यानी ए को बी से जोड़ दिए तो ए बी हो गया, है ना। ए बी का जो वैल्यू है वो 10 दिन है, लेकिन 10 दिन नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, काम चाहिए। काम में जाने के लिए इसको 1/10 काम कर दिए, 1/10 काम कर दिए। बी और सी है, तो बी प्लस सी हो गया, अब बी प्लस सी जो है वो 15 दिन है, अब 15 दिन को हम क्या करेंगे, काम में ले जाना है, किस में ले जाना है, काम में ले जाना है, तो काम का मतलब 1/15 काम लिखेंगे इसको। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, ए और बी किया, बी और सी भी किया, सी और ए भी किया 20 दिन में, सी है और प्लस ए है ना, ये कितना दिन में किया, 20 दिन में किया, तो 20 दिन को हम क्या लिखेंगे, 1/20 काम लिखेंगे, 1/20 काम। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूछा सी अकेले उस काम को निम्नलिखित समय में काम पूरा करेगा, यानी हमें सी का वैल्यू 1/4 निकालना है, इस बार तीनों का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, केवल सी का वैल्यू। लेकिन सी का वैल्यू निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालते हैं, और हमने बताया ए प्लस बी प्लस सी में यहाँ पे 2 जो रहता है उसको हम डायरेक्टली अब यहाँ पे 1/2 करके लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, 1/10, तीनों को जोड़ना है 1/15 और फिर से 1/20। तो इसका जो एलसीएम होगा, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 10 के टेबल में भी 7 आता है, 15 के टेबल में 7 आता है, 20 का टेबल में भी 7 आता है, यानी इसका जो एलसीएम हुआ कितना हो गया, 60 हो गया। 10 के टेबल में 7 6 बार में आएगा, 15 के टेबल में 4 बार में आएगा, 20 के टेबल में 3 बार में आएगा। तो इस तरह से 1/2 गुना कर लेंगे, तो गुना करने के बाद हमें पता चला 10 × 3 = 13/7, तो ये हो गया 13/120 काम, 13/120 काम। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सी का वैल्यू, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी में हम ए बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी, यानी यहाँ पे ये करना है कि ए प्लस बी प्लस सी वाले पूरे टर्म में से हमें ए प्लस बी को घटा देना है, ए प्लस बी को घटा देना है, तो जो वैल्यू निकलेगा वो सी का वैल्यू निकलेगा। तो सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे निकला कितना, निकल गया 13/120 माइनस, अब यहाँ ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1/10। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 120, तो ये आ गया 13, और माइनस इसको काटेंगे तो 12, इस तरह से देखा जाए तो 1/120 आ गया, 1/120, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है
वो 1/120 है, लेकिन ये काम है, ये काम है, यानी आंसर जो हमारा 1/120 काम है। तो इस काम को हम क्या करेंगे, 120 उल्टा करेंगे तो 120, लेकिन ये दिन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से सी का जो वैल्यू आया वो 120 दिन आ गया है। लेकिन सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी को घटाएंगे तब सी बचेगा। तो ये हमारा सी का आंसर 120 दिन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका ऑप्शन 2 होगा, 120 बिल लिखा हुआ है, बिल नहीं होगा, दिन होगा, है ना। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए किसी काम को 4 मिनट में करता है। और यहां पे देखिए, यहां मिनट है, यहां मिनट है, यहां घंटा है, यहां घंटा, यानी क्वेश्चन घंटा में होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन घंटा में होना चाहिए। तो यहां पे मिनट नहीं होगा, यहां पे मिनट नहीं होगा, यहां पे होगा घंटा, ठीक है। और यहां पे पाउंड नहीं होगा, यहां पर भी होगा घंटा, और यहां पर भी पाउंड नहीं होगा, यहां पे होगा घंटा। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं क्या है। तो कहने का मतलब ए जो है, ए कहता है 4 घंटे में किसी काम को पूरा करता है। यहां पे 4 घंटा लिखना है, 4 घंटा, और 4 घंटा को जब हम काम में लिखेंगे तो 1/4 काम हो जाएगा। उसी तरह बी और सी, बी भी है और सी भी है, बी और सी मिलकर 3 घंटा में काम को करता है। तो बी और सी का वैल्यू है, तो इसको हम 1/3 काम लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला, कहता है बी अकेले कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, है ना। अच्छा, यहाँ एक स्टेप और है, ए और सी 2 घंटे में काम को पूरा करता है। ए और सी, ए प्लस सी जो है 2 घंटे में, है ना, यानी 2 घंटा में किसी काम को पूरा करेगा। तो ये 2 घंटा का मतलब 1/2 काम होगा, 1/2 काम होगा। अब हमें यहाँ पूछ रहा है बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे बी का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है ए प्लस सी, ए प्लस सी, और इसका जो मान है वो 1/2 है 2, 1/2। अब यहाँ देखते हैं ए का मान दिया हुआ है 1/4, और प्लस ये सी है, और बराबर में 1/2 है। तो यहाँ पे हम सी का वैल्यू निकालेंगे 1/2, ये प्लस में 1/4, बराबर के इधर आने पे माइनस में 1/4 होगा। तो सी का मान यहां से निकालेंगे तो 2 - 1 निकलेगा, तो यहाँ पे सी का मान 1/4 निकल जाएगा, यानी सी का भी मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम करते हैं क्या कि बी प्लस सी का यूज कर लेते हैं, बी प्लस सी, और ये बी प्लस सी का जो मान है वो 1/3 है, ये बी रहेगा ही प्लस सी है, और यहाँ पे हम सी का वैल्यू निकाल लिए 1/4, तो यहाँ पे 1/4 बराबर 1/3 होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/3, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा 1/4, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4 × 3 = 12। यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो 4 × 3 = 12 होगा, 3 × 4 = 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो b का वैल्यू निकल जाएगा 1/12 काम, 1/12 काम। इसी 12 को हम क्या करेंगे, दिन में बदलेंगे, तो 12 दिन हो जाएगा, 12 दिन। तो इस प्रकार से ए का वैल्यू दिया हुआ था, बी प्लस सी का वैल्यू दिया था, ए प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ था। ए प्लस सी का यूज करने से सी का वैल्यू निकल गया, और बी प्लस सी का यूज करने से बी का वैल्यू निकल गया, और बी का ही वैल्यू हमें निकालना था, 12 दिन आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 है, 12 घंटा, ये हमारा आंसर होगा। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इसका जो PDF है टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर किसी को भी क्लास करना हो तो F पे आके वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।